इस इक्वेशन में आप ये देखेंगे, अगर एक वेव जो है एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में अगर वो प्रोपगेट करती है, तो उस लाइन का इक्वेशन, उस वेव का इक्वेशन क्या होगा? अगर हम इससे पहले चले अकॉर्डिंग टू हेंसवर्ग और अकॉर्डिंग टू डिब्रोगली, उन्होंने ये बोला था अगर इलेक्ट्रॉन यानी कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स मूव करेगा तो ऐसा पाथ बनाएगा जिसपे क्या होगा, वो एक वेव पाथ बनाएगा। श्रोडिंगर उसी को मिला के श्रोडिंगर ने एक वेव इक्वेशन बनाया। ये जो वेव इक्वेशन बनाया था उन्होंने तीन कोऑर्डिनेट यानी कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में तीनों कोऑर्डिनेट को लेके उन्होंने एक इक्वेशन दिया हमें, जिसके अकॉर्डिंग हम ये माइक्रोस्कोपिक जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके अप्लाई करते हैं। इस पर हमें क्लासिकल फिजिक्स हम अप्लाई नहीं कर पाते, दैट मीन्स क्लासिकल फिजिक्स जो है न्यूटन का जो फिजिक्स है उस पर हम जो ऑब्जेक्ट ज़्यादा जिस पर मास होता है उस पर अप्लाई करते हैं, बट जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है हम उसके लिए अप्लाई करते हैं जो पार्टिकल्स बहुत ही जिसका मास बहुत कम है माइक्रोस्कोपिक के लिए, लाइक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है, यानी हम ऐसे पार्टिकल्स के लिए यूज करते हैं जिसका मास बहुत कम होता है। दैट मीन्स श्रोडिंगर ने हमें एक ऐसा इक्वेशन दिया जो कोई भी पार्टिकल्स अगर मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा, सॉरी जो पार्टिकल्स अगर मूव करेगा तो वेव पाथ देगा। तो वेव पाथ जो होगा वो तीन डायरेक्शन में होंगे, एक्स में होगा, वाई में होगा और जेड में होगा। दैट मीन्स श्रोडिंगर ने इन्हीं तीनों को मिला के एक हमें इक्वेशन दिया है। दैट मीन्स अगर हम क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन किसने क्या किसका इसमें योगदान है, दैट मीन्स श्रोडिंगर में हमें डी ब्रोगली का भी योगदान है और हमें जो इसमें है हेंसबर्ग का भी योगदान है। श्रोडिंगर के अकॉर्डिंग जो ये इक्वेशन है इसके अकॉर्डिंग जो आज का हम क्वांटम नंबर पढ़ते हैं, एम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल एजिमिथल क्वांटम नंबर और एम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये तीनों जो इक्वेशन है इन्हीं के थ्रू हमें, इस इक्वेशन के थ्रू हमें तीनों क्वांटम नंबर फाइंड आउट हो जाते हैं। अब आते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है क्या। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एक डबल डिफरेंशिएशन का इक्वेशन है जो यहाँ पर है डेल स्क्वायर साई, इसको हम डेल नहीं बोल के अगर हम बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन, डेल स्क्वायर साई डी एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई डी एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स ये तीनों कोऑर्डिनेट में इसका डबल डिफरेंशिएशन यानी टू डिग्री डिफरेंशिएशन किया हुआ है। उसके बाद क्या है, एट पाई स्क्वायर एम और एच स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, एम क्या है, यहाँ पर हम एम इलेक्ट्रॉन का लेते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है उसका हम मास लेते हैं। एच क्या है, तो एच यहाँ प्लैंक कॉन्स्टेंट है, ई माइनस वी साई, दैट मीन्स ई क्या है, ई यहाँ टोटल एनर्जी है, माइनस वी, वी क्या है पोटेंशियल एनर्जी है, साई क्या है, तो मैंने वन बाय वन यहाँ टर्म लिख रखा है, साई इज ए वेव फंक्शन दैट मीन्स एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, ये एक वेव फंक्शन है। जैसे मैथ में कोई फंक्शन लिखते हैं वाई इक्वल टू थ्री एक्स प्लस टू एक्स, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, दिस इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, तो साई इज ए वेव फंक्शन या हम इसको बोल सकते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। और इस इक्वेशन को हमें टू डिग्री डिफरेंशिएट किया हुआ है जो कि एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट में है, यहाँ मास जो है मास इलेक्ट्रॉन का लेते हैं, एच जो है वो प्लैंक कॉन्स्टेंट है, यहाँ हम प्लैंक कॉन्स्टेंट लेते हैं, यहाँ ई जो है वो टोटल एनर्जी है और वी जो है वो पोटेंशियल है, इक्वल टू हम जीरो लिखते हैं। अब इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, एच बार साई इक्वल टू ई साई, एच का मतलब होता है हैमिल्टन, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ये एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है, जैसे हम लिखते हैं पी एच, और पी का मतलब क्या होता है माइनस लॉग बेस 10, पी मीन्स माइनस लॉग 10 बेस, दैट मीन्स पी इज ए मैथमेटिकल ऑपरेटर जस्ट लाइक ए, एच इज ए हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ठीक है, जहां पर ये भी एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है। साइन ई, ई क्या है यहाँ पर, तो ई इज ए एनर्जी ऑपरेटर, एनर्जी ऑपरेटर को बोलते हैं, दैट मीन्स हम इस इक्वेशन को सिंपल टर्म में हम बोल सकते हैं एच हैमिल्टनियन ऑपरेटर साई इक्वल टू एनर्जी ऑपरेटर साई, जहां पर हैमिल्टनियन ऑपरेटर जो होता है वो आपकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर होता है, दैट मीन्स हैमिल्टनियन ऑपरेटर इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। हम इस इक्वेशन को दूसरे टाइप से ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर साई 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू जीरो, यहाँ पर आपके
डेल का स्क्वायर जो हो जाए, डेल इक्वल टू हम लिख सकते हैं डेल एक्स प्लस डेल वाई प्लस डेल जे, इसके बराबर हम लिख सकते हैं। दैट मींस डेल स्क्वायर साइन को अगर हम और एक्सपेंड करें तो यहां पर इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। दैट मींस स्कूल में लाले सोजिंगर जो वेव इक्वेशन है, ये आपका सोजिंगर वेव इक्वेशन है जिसमें एक्स वाई जेड के डायरेक्शन में लिखा हुआ है, ये हैमिल्टनियन के अकॉर्डिंग है और ये आपके डेल के अकॉर्डिंग है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि इसमें से कौन से इक्वेशन जो वो आपका सोजिंगर को बता रहा है, तो ये भी सोजिंगर को बताएगा, ये भी सोजिंगर को बताएगा, ये भी सोजिंगर को बताएगा। ये हैमिल्टनियन ऑपरेटर को लेके है, डेल को लेके है, दैट मींस ये 3D में है। तो ये आपका है सोजिंगर वेव इक्वेशन। अब इसका हम डेरिवेशन देखेंगे, तो डेरिवेशन आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिखाएंगे। इसमें क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोजिंगर वेव इक्वेशन है वो किस किस साइंटिस्ट में इसका योगदान है, दैट मींस इसमें डी ब्रोगली का भी योगदान है और हेंसबर्ग प्रिंसिपल का भी इसमें योगदान है। सेकेंड चीज, ये किस कोऑर्डिनेट के लिए निकाला गया है, तो तीन कोऑर्डिनेट के लिए निकाला गया है, एक्स वाई जेड, यानी कि जो वेव है वो तीनों डायरेक्शन में प्रोपगेट करता है और तीनों डायरेक्शन के लिए निकाला गया है। इसमें टर्म क्या क्या यूज किए हैं, टर्म मैं यहाँ लिख दिया हूँ। और हैमिल्टनियन ऑपरेटर के बारे में पूछा जा सकता है, इसके एनर्जी का सम है और ये इक्वेशन कैसे आता है वही पूछा जा सकता है। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका डेरिवेशन क्या है।